नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर पंजाब से। आज भारत में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनमें पढ़े लिखे भी हैं और कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, मगर रोजी रोटी के लिए सभी काम की तलाश करते हैं। और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जब अपने देश में रोजगार नहीं मिलता तो विदेश में जाकर नौकरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम होता जिसको वो विदेश भेज रहे हैं वो वहाँ कैसे जी रहा होगा, वापिस आएगा भी या नहीं। जब आता है तो चेहरे पर खुशियाँ होती हैं और जब कभी उसकी मौत की खबर आती है तो आप समझ ही सकते हैं उस परिवार पर क्या बीतती होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पंजाब के गुरदासपुर का, जहां पिछले कई सालों से दुबई में नौकरी कर रहे नानक सिंह की हत्या हो गई, जिसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। आज परिवार वाले उसकी देह के लिए केंद्र सरकार और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कह रहे हैं उनके बेटे की लाश को भारत लाने में मदद करें। आइए सुनते हैं मृतक नानक सिंह के परिवार को। पर सानू हुण पता लगा कि कुछ दिन पहला दुबई दे विच इसकी डैथ हो चुकी है, जो कि इसनू किसी ने पता लगन ते जो फोन के मुताबिक सानू पता लगा कि इहदे सिर च 7 वजे रात मारी है किसी ने, वो रात वजन नाल इहदी डैथ होई। असीं चाहुंदे हां कि जो इहदे कातल ने उहनां नू सख्त सजा दित्ती जाए, सानू इस चीज़ का इंसाफ मिलना चाहिए। साडे बेटे बाहर जा के रोजी रोटी वास्ते काम करते आ, मर वो ना होवे अगे तो नानक सिंह वर्गे कई बच्चे इदा दे मौत दे भेट जा रहे आ। सरकारां नूं भी चाहीदा जिहड़े साडे बच्चे जांदे आ वो उन्हां दी जिम्मेवारी आ कि उन्हां बच्चों का वो पूरा ख्याल रखण, उन्हां दी पूरी सिक्योरिटी देण। कोई वारदाता जो भी उत्ते होई आ उन्हां नूं फड़ के सजावां दित्तियां जाण, इस परिवार नूं इंसाफ दवाया जाए। सर ये गल तो किसी ने सोचा ही नहीं हुंदा कि साडा बच्चा इस तरह बंद पेटी च भी आएगा। ये तो रोजी रोटी वास्ते पैसे परिवार का निर्भर वास्ते बाहर जा कली दा कि साढ़े दिन सौखे हो जाने, पैसा आएगा, रोटी पानी चलेगा, पर दोबारा इस तरह हुंदा जदों तो बड़े दुख वाली गल आ। सजा देना या ना देना ये दुबई सरकार का कानून ही तय करेगा, मगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितना साथ देती है इस पीड़ित परिवार का, इस पर सबकी नजर है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।